हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड है। हमने ऑलरेडी इसकी 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए, तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। चलो फिर जल्दी से अपना आज का 4th सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। ए जो कि माइनर है, टेक्स अ लोन ऑफ ₹4,000 फ्रॉम बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी ही अप्लाइज टू बी फॉर अ फर्दर लोन ऑफ ₹3,000। मतलब एज अ माइनर उसने 4,000 का लोन लिया था, एंड फिर जब वो मेजर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 18+ हो गया, तो उसके बाद उसने और फर्दर 3,000 की डिमांड, उसने फर्दर 3,000 का लोन लिया बी से। बी गिव्स दिस लोन एंड ऑब्टेन्स ए अ कंबाइंड प्रॉमिसरी नोट ऑफ ₹7,000 फॉर द टू लोन्स। दिस इज कंसिडर्ड एज, अब देखो जब उसने 4,000 का लोन लिया, नो डाउट तब वो क्या था, माइनर था, और माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। बट आगे लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि उसने जो फर्दर लोन 3,000 लिया है, ये उसने तब लिया है जब उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली थी, प्लस बी ने जिसने लोन दिया है उसने ए से कंबाइंड प्रॉमिसरी नोट लिया 7,000 का, और ये 7,000 का प्रॉमिसरी नोट उसने कब लिया, जब ए मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो चुका था, है ना, मतलब जब वो मेजर हो चुका था, 18+ का हो चुका था, तब ये प्रॉमिसरी नोट उसने लिया है। तो इस केस में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेंगे, नो डाउट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जब प्रॉमिसरी नोट ए ने दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेजर था, और मेजर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होता है, वैलिड। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने अपने फर्स्ट एमसीक्यूज सेशन में बताया था। देयर मस्ट बी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन मार्केट, येस। मार्केट मस्ट बी सेपरेबल, येस। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स, नो। क्योंकि अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करने की बात करें, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स तो हुआ ही नहीं। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट्स। तो ए होगा, बी होगा, डी होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, द एग्जेम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। अच्छा, अगर इसकी कंडीशंस देखें तो जो एग्जेम्पशन होता है ना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है। सबसे पहला, जितना एक्चुअल रेंट आपने पे किया माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है 40% या 50%, किसका, अगेन बेसिक सैलरी का प्लस DA का, तो ये दूसरी कंडीशन हुई। और तीसरी कंडीशन है कि जो भी आपको एक्चुअल HRA रिसीव्ड हुआ है, इनमें से जो भी लीस्ट होता है ना, इन तीनों फिगर में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी, उतना आपको HRA पे एग्जेम्पशन मिलता है। तो क्या रेंट पेड चाहिए होता है कैलकुलेशन के लिए, येस। प्लेस ऑफ रेसिडेंस चाहिए होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि 40% या 50%। सैलरी, बेसिक सैलरी चाहिए होती है, HRA रिसीव चाहिए होता है, फेयर रेंट नहीं चाहिए होता, और मार्केट रेंट भी नहीं चाहिए होता। ओवरऑल जब हम एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन करते फॉर HRA, तो ए टू डी चाहिए, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने 10 इंपॉर्टेंट MCQs जो अपलोड किए थे रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग वहां बताए हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन कवर कर लेना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर द WTO। तो प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है इनका रेसिप्रोकेटी, दूसरा है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, फिर है बाइंडिंग इन्फोर्सिबल कमिटमेंट एंड ट्रांसपेरेंट, जो कि ए में दिया है, सी में दिया है, एंड बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल कमिटमेंट पॉइंट डी में दिया है। बी और ई इसका प्रिंसिपल नहीं है ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क का, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिलीवर्स रिजल्ट्स। अब देखो, प्राइस स्कीमिंग की बात करें तो इसको हम लोग स्कीमिंग प्राइसिंग का नाम भी देते हैं, और इसमें बेसिकली क्या होता है ना, कि जो भी कंपनी होती है वो इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा चार्ज करती है, और फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंगली अपने प्राइस को रिड्यूस करती है। क्लियर? प्राइस स्कीमिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप नए प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर करा सकते हो, और गोल यही होता है कि स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, और फिर धीरे धीरे कंपटीशन पे फोकस करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन द साइज ऑफ द मार्केट इज लार्ज एंड इट इज अ ग्रोइंग मार्केट, नो।
ये इसका पॉइंट रेलिवेंट नहीं है. व्हेन द प्रोडक्ट इज परसीव्ड एज एनहांसिंग द कस्टमर्स स्टेटस इन सोसाइटी. नेक्स्ट, व्हेन द फर्म यूजेस इट एज एन एंट्री स्ट्रैटेजी. व्हेन द टारगेट मार्केट एसोसिएट्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विद इट्स प्राइस. तो स्कीमिंग प्राइसेस में बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों ही रेलिवेंट है. करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, इफ द स्केल पैरामीटर इज ग्रेटर देन 1, दैट इज आर इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में CES प्रोडक्शन फंक्शन क्या एग्जिबिट करेगा. ये एग्जिबिट करेगा कि जो इनपुट है अगर वो आप 100% से इंक्रीज करते हो तो आउटपुट नो डाउट इंक्रीज होगा बट बाय 120%, जिसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एनी सम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर. किस ऑर्डर में होता है देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी थर्ड पार्टीज के डेट होते हैं उनको हम पे करते हैं. उसके बाद इन पेइंग ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल. कैपिटल के अलावा जो भी एडवांसेस आपने पार्टनर से लिए हैं उनका पेमेंट करते हैं. देन इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल. फिर उनके अकाउंट कैपिटल का पेमेंट करते हैं. एंड लास्टली जो पैसा बच जाता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिवाइडिंग अमंग द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स. तो करेक्ट आंसर होगा 1, CABD. नेक्स्ट, अ कॉइन एंड पेयर ऑफ डाइज आर टॉस टुगेदर. द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज. अब देखो सिंपली अगर हम लोग आउटकम की बात करें तो एक कॉइन को टॉस करने पे आइदर हेड आएगा या टेल आएगा. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं 2. वैसे अगर हम लोग डाइस की बात करें तो डाइस को रोल करने पे आइदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है. मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 6. बट क्योंकि यहाँ पे बोला है पेयर ऑफ डाइस, अब दो डाइस की अगर हम बात करें तो 6 स्क्वायर हो जाएगा. तो कॉइन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 2 और डाइस के लिए है 36. क्लियर. और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो ये हमें पता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 72. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन अ केस अ पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर और रिसीट ये किससे ज्यादा होगा 1 करोड़ से. इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है और ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना सेक्शन 44AB. नेक्स्ट, अ यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट येस. डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट लार्ज लेवल्स ऑफ आउटपुट येस. अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो ये स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट पे ही प्रिवेल करता है एंड डिस इकोनॉमीज लार्जर स्केल पे. बेनिफिट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन अक्रू मोर एट द लोअर स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज आर प्रोन टू अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर देखा जाए तो ये चारों ही पॉइंट रेलेवेंट है जिसकी वजह से हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप्ड बनता है. इसीलिए करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैच द फॉलोइंग हमने क्लास अपलोड की थी 10 मैच द फॉलोइंग हमने रेलेवेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है वो अपलोड किए हैं. तो वहाँ पर ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो वहाँ से ये क्वेश्चन आप ज़रूर से कवर कर लेना. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. हमने उसकी लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी डाली है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है सो दैट आप वहाँ से इजीली क्लास कवर कर पाओ. ओवरऑल ये 10 to 15 इंपॉर्टेंट MCQs थे रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड ये क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. तो सबकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और रेलेवेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.